दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में सीट बंटवारे पर लग सकती है मुहर। अमित शाह के घर सुखदेव ढींसा भी मौजूद। बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत और जेपी नड्डा भी पहुंचे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे। रुझानों में सबसे आगे निकली आम आदमी पार्टी। पार्टी 8 सीटों पर आगे। चंडीगढ़ में बीजेपी 7 सीट पर कर रही है लीड। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंची, फिलहाल 3 सीट पर आगे। यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। ब्राह्मण नेताओं की बनाई गई कमेटी। कमेटी के सदस्य जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। कमेटी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र चेनी भी शामिल। ब्राह्मण वर्ग के लिए किए जा रहे कामों को उनके बीच जाकर बताएगी बीजेपी। हिमाचल के मंडी पहुंचे पीएम मोदी। मंडी में 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। निवेशकों से करेंगे बात। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी शासन के 4 साल पूरे होने पर आज पीएम मोदी का कार्यक्रम। जोश में है बीजेपी के कार्यकर्ता। हिमाचली परिधान में पहुंचे कई कार्यकर्ता। लखनऊ में साहिबजादा बलिदान दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर चले योगी। मुगलों के खिलाफ धर्म रक्षा में एक हफ्ते में शहीद हुए थे 4 साहिबजादे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों ने दी थी शहादत। हरियाणा के अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 19 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू लागू करने की तैयारी की। दिल्ली में कोरोना की स्पीड बढ़ना जारी। 24 घंटे में 290 लोग संक्रमित, 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण 0.55% तक पहुंचा। लगातार 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 0.50 से ज्यादा रहने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होगा। येलो अलर्ट लागू होने पर 50% क्षमता के साथ चलेंगे दिल्ली मेट्रो। स्कूल और कॉलेज के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें रहेंगी बंद। देश में कोरोना के 6531 नए केस। पिछले 24 घंटे में 7141 लोग रिकवर। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और सतर्कता डोज के बीच 9 महीने से 12 महीने का होगा गैप। जल्द लिया जाएगा आखिरी फैसला। पहले 2 वैक्सीन वाली कंपनी की ही तीसरी डोज लगेगी। जनवरी में करीब 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे बूस्टर शॉट के लिए योग्य। अभी 15 से 18 साल के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही उपलब्ध होने की उम्मीद। 3 जनवरी से होगी बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को GST इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। पीयूष जैन के ठिकानों पर गुरुवार से ही हो रही है छापेमारी। घर की दीवारों और अलमारियों से 257 करोड़ की नकदी हुई बरामद। पीयूष जैन के कन्नौज के घर की दीवारें, फर्श, सीलिंग और तहखाने से निकल रहे करोड़ों रुपए और सोना चांदी, गैस वेल्डिंग कटर और छेनी हथौड़ों से तोड़ी जा रही दीवारों और लॉकर को। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण महाराज को गांधी जी के लिए अपशब्द कहना पड़ा महंगा। पुलिस ने दर्ज की FIR। कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। गांधी जी की हत्या को ठहराया था सही। गांधी जी को अपशब्द कहे जाने से धर्म संसद के आयोजन समिति ने किया किनारा। बयान को लेकर मांगी माफी। धर्म संसद में गांधी जी के अपशब्द और गोडसे की तारीफ पर कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक महंत राम सुंदर दास ने जताया विरोध, तुरंत मंच छोड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज कराने आधी रात पहुंचे पुलिस थाना। कालीचरण पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। हरिद्वार धर्म संसद में जहरीले भाषण पर 2 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। अन्नपूर्णा मां और धर्मदास महाराज पर लगाई गई धाराएं। उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। यादव समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यादवों को कहा सबसे बड़ा धोखेबाज। शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर बॉयलर विस्फोट में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज। 6 और कर्मचारियों पर भी मुकदमा। कल बॉयलर ब्लास्ट में हुई थी 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में बिना के विधायक का विवादित बयान। कहा बिना मतलब के मामलों में घुसते हैं, बाद में होता है मर्डर। विधायक महेश राय ने कहा टेंडर डालते ही कई लोग लगा देते हैं RTI। बड़े बड़े शहरों में RTI कार्यकर्ताओं का होता है मर्डर। हिमाचल प्रदेश के नरकंटा में बिछी बर्फ की चादर, मस्ती करते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड हुआ बंद। 2 दिन से हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी। सड़क और पेड़ों पर बर्फ की बिछी चादर। सिक्किम में भारी बर्फबारी। बर्फ में फंसे सैलानियों को बड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दिल्ली में कल रात हुई बारिश का भी प्रदूषण पर असर नहीं। राजधानी की आबोहवा आज भी गंभीर कैटेगरी में। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 पर दर्ज। मुंबई में सर्दी खांसी की दवा के ओवर डोज से 5 महीने के बच्चे की गई जान। मां ने डर से शव को एक पानी के भरे हुए ड्रम में छिपाया। बच्चे की मां ने पकड़े जाने के डर से पुलिस में जाकर किडनैपिंग का दर्ज कराया केस। पुलिस ने जांच में ड्रम से शव बरामद किया।
पुणे में चोरों ने एक एटीएम को विस्फोटक से उड़ाया, 16 लाख लेकर फरार हुए। पुणे में 167 किलो गांजा बरामद, 5 महिलाओं समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में आरपीएफ जवान ने बचाई एक यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा था यात्री। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने हेलीकॉप्टर की मदद से पाया काबू, कई घर जलकर राख। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजों ने कराई इंग्लैंड की वापसी, ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 267 रन पर आउट। जीएसटी में 1 जनवरी से लागू होंगे कई बदलाव, ई कॉमर्स सर्विस ट्रांसपोर्ट रेस्तरां और टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ेगा प्रभाव। कैंसर हेल्थ सर्विस स्टार्टअप कंपनी में रिलायंस का निवेश, पहले टाटा ग्रुप ने भी 110 करोड़ का किया था इन्वेस्टमेंट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।